गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हरि कृष्णा, योर साइंस टीचर। टुडे योर सेकंड लेक्चर एंड द टॉपिक इज व्हाट एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा लोग कई तरह के जानवर पालते हैं, डॉग हो, कैट हो सकता है, वो काउ भी हो सकता है, बफेलो भी हो सकता है। तो कई तरह के जानवर कई सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, ये लोग क्या खाते हैं? हाँ, ब्रेड खा सकते हैं, बिल्कुल, चपाती खाते हैं, मीट ये भी खाते हैं, और कैट मिल्क भी ड्रिंक करती है कि नहीं? तो अलग अलग जानवर अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। तो इसमें से कुछ प्लांट प्रोडक्ट होते हैं और कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि एनिमल से मिलने वाले फूड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डॉग कुछ एनिमल डिफरेंट डिफरेंट एनिमल डिफरेंट डिफरेंट तरह का फूड हैबिट होता है। वी ऑब्जर्व दैट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट। जो अलग अलग तरह के जानवर होते हैं उनका जो खाने का फूड हैबिट होता है वो अलग अलग होता है। सम ईट ओनली प्लांट्स, कुछ होते हैं जो कि प्लांट को ही खाते हैं, एंड सम ईट ओनली फ्लेश ऑफ एनिमल्स एंड सम ईट बोथ। और कुछ जानवर होते हैं जो कि दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, और कुछ होते हैं जो कि दोनों ही खाते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फूड हैबिट्स वी क्लासिफाई एनिमल इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। इसी फूड हैबिट के बेसिस पर ही हम जानवरों को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। वो कैटेगरी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ठीक है ना? तो चलिए एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। हर्बीवोर्स, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स या फिर हर्बीवोरस एनिमल्स। ऐसे जानवर जो केवल क्या खाते हैं, प्लांट यानी पौधे या पौधों से बना हुआ प्रोडक्ट ही खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी। ये केवल और केवल प्लांट का ही प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट से बना हुआ ही प्रोडक्ट खाते हैं। एग्जांपल में क्या हो गया आपका, काऊ हो गया, गोट्स हो गया, रैबिट हो गया, सीप एंड डियर, गाय, बकरी, खरगोश है ना, भेड़, हिरन, ये सब क्या है, एग्जांपल है किसके? हर्बीवोर्स के यानी शाकाहारी के। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है आपका कार्निवोर्स। एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स या फिर कार्निवोरस एनिमल्स। ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कार्निवोर्स या फिर कार्निवोरस कहेंगे। इस कैटेगरी में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन से एनिमल्स आएंगे? लायंस हो गया, टाइगर्स हो गए, ईगल्स हो गए एंड वुल्व्स, है कि नहीं? ये सब क्या है, कार्निवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारा थर्ड कैटेगरी क्या होता है, ओमनीवोर्स। क्या है? ओमनीवोर्स। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स या फिर ओमनीवोरस एनिमल्स। ऐसे जानवर जो दोनों ही खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स या फिर ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स होगा क्या हो, क्या है, ह्यूमंस हो गए, इंसान हो गया, बियर्स, भालू, रैट्स, क्राउस एंड कॉकरोच, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि क्या है आपके, ओमनीवोर्स है कि नहीं? ह्यूमन बींग क्या है, प्लांट के प्रोडक्ट भी खाते हैं एंड मीट मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, तो ये सब क्या हो गए, ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे स्टूडेंट्स, स्केवेंजर्स एंड डीकम्पोजर। स्केवेंजर्स क्या होते हैं और डीकम्पोजर क्या होते हैं, ठीक है? स्केवेंजर्स, द एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड स्केवेंजर। ऐसे जानवर जो मरे हुए या फिर सड़ी गली हुई, ठीक है ना, चीजों को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्केवेंजर्स कहते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं क्या आते हैं, जैकाल्स, गीदड़ हो गया, हाइंस एंड वल्चर, गिद्ध, ये सब चीजें क्या होती हैं,
स्केवेंजर्स होते हैं, यानी ये एनवायरनमेंट को साफ करते हैं। जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको खा करके एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, ये क्लियर करते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर लाइक सम ऑफ द फंगी एंड बैक्टीरिया फीड ऑन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल एंड डीकम्पोज देम। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेचर में पाए जाते हैं जैसे कि फंगी हो गया और बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, फीड ऑन डेड प्लांट्स, ये मरे हुए जानवरों को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते, उनपे उन्हें खाते हैं। एंड एनिमल्स जानवरों को भी, एंड डिकम्पोज देम और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में यानी सिंपलर फॉर्म में डिकम्पोज करते हैं, तोड़ देते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर, और इन्हें हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं, है कि नहीं। ये भी सफाई करने में, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ बैक्टीरिया का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है डायग्राम है, और ये क्या है, फंगी है, क्लियर है ना। यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन लिखा हुआ है, स्केवेंजर्स एंड डिकम्पोजर हेल्प कीप द अर्थ क्लीन, जो पृथ्वी है इसको क्लीन रखने में हेल्प करते हैं, कौन, स्केवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। जैसे कि कोई जानवर हो गया, अब वो मर गया है तो उसे क्या होगा, कौन खाएगा, यही जो स्केवेंजर्स होते हैं इन्हें खा करके खत्म कर देते हैं। और मान लीजिए कोई डेड प्लांट्स है या कोई जानवर है जो मर गया है, तो उसे कुछ जो खा लिए हो तो खा लिए, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है उस पर फंगी और बैक्टीरिया बैठते हैं और उसे खा करके एकदम से क्या कर देते हैं, उसका डिकम्पोज कर देते हैं, ताकि वो फिर से सॉइल में मिक्स हो जाए, है कि नहीं। तो ये चीज था स्केवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड चेन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा फूड चेन। तो हमें पता है कि जो अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है, सन होता है कि नहीं। और एनिमल्स कैन नॉट यूटिलाइज द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन डायरेक्टली फॉर देयर एक्टिविटीज, और जो जानवर होते हैं इस सन एनर्जी को जो कि डायरेक्टली रेडिएट होके आ रहा है अर्थ पर, इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ओनली द ग्रीन प्लांट्स कैन यूटिलाइज द सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर द फूड बिकॉज द ग्रीन प्लांट्स कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो इस सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से, उनके अंदर उनके जो लीव्स होती हैं उनमें जो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, उसी की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप द सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। एनिमल गेट्स एनर्जी बाय ईटिंग द ग्रीन प्लांट्स, और ये जो जानवर हैं वो डायरेक्टली यूज तो कर नहीं सकते, तो अब इन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगा, ये जानवर क्या करते हैं, इन्हीं प्लांट्स को खाते हैं, जिससे कि उन्हें क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। और ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स, क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स। चलिए एक फूड चेन का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डियर ईट्स ग्रीन प्लांट्स विच इज इन टर्न इज ईटन बाय कार्निवोर्स लाइक लायन। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्रास है ये किस कैटेगरी में आएगा, प्रोड्यूसर के कैटेगरी में आएगा, क्यों, क्योंकि जो भी सन से लाइट आ रहा है वो डायरेक्टली इसे क्या कर रहा है, कंज्यूम करके, ट्रैप करके किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, फूड में प्रिपेयर कर रहा है, यानी अपना फूड प्रिपेयर किया। अब ये जो डियर है, हिरन है, ये क्या करेगा, ये इस घास को खाएगा, इस ग्रास को क्या करेगा, खाएगा। अब इस जो ग्रास के अंदर जितने भी एनर्जी थी वो किसके अंदर चला गया, डियर के अंदर चला गया, और ये जो डियर था इसे कौन खा गया, लायन खा लिया। तो डियर क्या हो गया आपका, हर्बीवोर्स, और लायन किस कैटेगरी में आता है, कार्निवोर्स के। अब जो भी फूड खाने की वजह से इस डियर के अंदर जो भी एनर्जी है वह एनर्जी किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, लायन के अंदर, क्यों, क्योंकि लायन ने डियर को क्या कर लिया, खा लिया, है कि नहीं। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, फूड चेन कहलाएगा, फूड चेन कहलाएगा, क्यों, क्योंकि एक जो एनर्जी है एक प्लांट के द्वारा जो बनाई गई एनर्जी है वो किसको ट्रांसफर हो रहा है, डियर को, और डियर के द्वारा जो एनर्जी
है डीएल के अंदर जो एनर्जी होगी इसको ट्रांसफर हो रहा है लाइन के अंदर। तो देखिए इस तरह से एक चैन बन गया कि नहीं बन गया, प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक, है कि नहीं। तो इसी तरह से दूसरा और हो सकता है कि जो ग्रास है, घास है, इसे कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर खा रहा है, टिड्डे ने खा लिया। और इस ग्रास हॉपर को किसने खाया, मेंढक ने खाया। इस मेंढक को किसने खाया, स्नेक ने खाया। और स्नेक को किसने खाया, ईगल ने खा लिया, है कि नहीं। तो प्रोड्यूसर से लेकर के हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से फिर कार्निवोर्स, और उस कार्निवोर्स से भी फ्रॉग हो गया, और फ्रॉग से भी बड़ा लार्ज कार्निवोर्स कौन हो गया, स्नेक हो गया। और जो टॉप लेवल का कार्निवोर्स हो गया वो क्या हो गया आपका, ईगल हो गया। तो यह तरह से क्या हुआ, ये फूड का जो एनर्जी है वो कहाँ हो रहा है, वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते चला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑल द एनिमल्स वेदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट्स ऑन द प्लांट्स फॉर फूड। जितने भी जानवर हैं, चाहे वो हर्बीवोर्स हो या फिर कार्निवोर्स हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट के ऊपर अपने फूड के लिए। और इसी फीडिंग रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। तो अगर हमें शॉर्ट में डिफाइन करना हो फूड चेन को, तो क्या कह सकते हैं, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर फूड। एक ऐसा श्रृंखला, एक ऐसी श्रृंखला जो एक दूसरे को क्या करती है, ऑर्गेनिज्म को लिंक करती है। उस प्रोसेस में क्या होता है, या तो किसी को खाते हैं या फिर किसी दूसरे के द्वारा खाए जाते एज ए फूड, भोजन की तरह से, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फूड चेन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, फूड प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अपनी कंट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कि भोजन नहीं मिलता है खाने के लिए। क्यों, क्योंकि या तो उनके पास शॉर्टेज ऑफ क्या है, फूड है, या फिर इतना वो सामर्थ्यवान नहीं है, उनके पास इतना पैसे नहीं है कि वो फूड को खरीद सके। क्यों, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा गरीबी है। तो चलिए देखते हैं क्या है, मेनी पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट एनफ फूड टू ईट। बहुत सारे लोग अपनी कंट्री में ऐसे हैं जिनको एनफ फूड नहीं मिलता है। कारण क्या है, बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड, क्योंकि भोजन की कमी है। मेनी पीपल कैन नॉट बाय एनफ फूड ड्यू टू पॉवर्टी, और कई सारे लोग क्या कर सकते हैं, भोजन नहीं खरीद सकते अपनी गरीबी के कारण। दिस इज कॉल्ड फूड प्रॉब्लम, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है ना। और हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, द फूड प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री कैन बी सॉल्व बाय द फॉलोइंग वेज, इन फॉलोइंग तरीकों से। कुछ तरीके दिए गए हैं, 1, 2, 3। इन तरीकों को अगर हम लोग अपने हैबिट में लाएं तो फूड प्रॉब्लम है उन्हें हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। पहला क्या है, वी शुड ग्रो मोर फूड क्रॉप्स बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। हमें ज्यादा से ज्यादा फूड क्रॉप को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, जो आधुनिक तरीके हैं खेती करने के, इन तरीकों को यूज करके अधिक से अधिक भोजन वाले फसल क्या कहते हैं, तैयार करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। बी शुड स्टोर द फूड ग्रेन्स प्रॉपरली, हमें फूड ग्रेन्स को क्या करते हैं, अनाज को प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए, सो दैट दे आर नॉट ईटन बाय रैट्स, इंसेक्ट एंड बर्ड्स, और स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इस तरह से हम इन्हें स्टोर करके रखें कि वे चूहे के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ना खाए जाएं और ना ही खराब किए जाएं, ठीक है ना। वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे, हमें किसी भी हालत में फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स, तो जहां तक मुझे लगता है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप देख ही रहे होंगे इस टाइम पे कितनी प्रॉब्लम चल रही है लोगों को फूड का, है कि नहीं। तो हमें कभी भी फूड का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, क्लियर है ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।